मौसम के बदले मिजाज से पूरे देश को लू से मिली राहत। पूर्वी भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर। अगले 5 दिन तक प्रचंड गर्मी नहीं। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी के निशाने पर गहलोत सरकार। गजेंद्र शेखावत बोले, FIR नहीं तो चलौनी गेट पर करेंगे धरना। जोधपुर सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 97 गिरफ्तार। बीजेपी ने राज्यपाल से की जांच शुरू करने की मांग। गहलोत सरकार पर लगाया आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थपथपाई अपनी पीठ। कहा, यूपी में उतारे गए 1 लाख लाउड स्पीकर, प्रदेश में कम हुआ शोर। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से मिले पीएम मोदी। महारानी ने गर्मजोशी से किया पीएम मोदी का स्वागत। SII ने सुनाई खुशखबरी। कोवैक्स जाब की हर एक खुराक को 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दिया गया। देश में 777 महत्वपूर्ण प्रस्थानों को मिल रहा है सर्वोच्च सुरक्षा कवर। संभावित खतरे को देखते हुए किया जाता है रणनीति में बदलाव। नाइट क्लब के वीडियो पर सियासत के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड। मजबूत बुनियाद पर अब आगे बढ़ेगी स्कूली शिक्षा। 4 मई से शुरू होने वाले अभियान में सभी सरकारी और निजी स्कूल होंगे शामिल। इंटरसिटी सर्वे में हुआ खुलासा। भारतीय यात्री अंतर्राज्यीय बस सेवाओं में स्वच्छता और सुरक्षा को देते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता। राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय। दिल्ली में पीठ ने 27 अप्रैल को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कृषि क्षेत्र में शोध और विकास के लिए जर्मनी देगा वित्तीय मदद। देशों के बीच हुए समझौते में वर्ष 2025 तक 2,24,00,00,000 रुपए का रियासी कर्ज का प्रावधान। मुंबई पुलिस ने मनसे कार्यालय से लाउडस्पीकर जब्त किया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। मनसे प्रमुख ने फिर की खास अपील। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर सियासी घमासान तेज। राज ठाकरे के घर की कड़ी सुरक्षा। अलीगढ़ में भरभरा कर गिरा लेंटर। लेंटर के नीचे दबकर युवक की मौत, 2 लोग हुए घायल। अलीगढ़ में ईद की खुशियों में दुख का साया। खोलते दूध से झुलसे 2 बच्चे। डॉक्टरों ने इलाज के लिए जैन मेडिकल कॉलेज किया रेफर। अलीगढ़ में लुटेरे के हौसले हुए बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। बीच बचाव कर रहे जेल कर्मी को मारी गोली। चंदौली कांड पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार से मिले। गिरफ्तारी की मां को लेकर पिता अनशन पर बैठे। फरीदाबाद में लोगों की सूझबूझ से टला हादसा। धू धू कर चला ट्रांसफार्मर। दमकल के पहुंचने से पहले पाया गया आग पर काबू। हादसों का शहर बना फरीदाबाद। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े सीवर के ढक्कन। इससे पहले बच्चे की टैंक में डूबने से मौत की खबर सामने आई थी।
गाजियाबाद में आपसे विवाद, दो पक्ष भिड़े, गुस्साए लोगों ने चौकी पर किया हंगामा। रायबरेली में सीआर का आतंक, कई लोगों पर जानलेवा हमला, मौके पर नहीं पहुंचा वन विभाग। संभल में प्यार में धोखे का मामला, युवक ने शादी से किया इनकार, पीड़ित ने पुलिस से न्याय की लगाई गुहार। अलीगढ़ में मॉल की चौथी मंजिल से युवती ने लगाई छलांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरुखाबाद में दुरुस्त होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, डीएम ने रेडियंटो हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। देवरिया में रेप का आरोपी हुआ गिरफ्तार, भागने की फिराक में था आरोपी, छेड़छाड़ करने वाला केस कराया था दर्ज। इटावा में ट्रक ने टूरिस्ट बस में मारी टक्कर, दो तीर्थयात्रियों की मौत और 12 लोग हुए गए। सपा चीफ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर तंज, बोले अब चली दिमाग की बत्ती। योगी के विधायक की अनूठी पहल, जनता तो खुद करे निर्माण कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्ता खराब हुई तो उसी पैसे में होगा दोबारा निर्माण। यूपी के 28 जिलों में 1% भी गेहूं खरीद नहीं, सिर्फ 4 जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष 10% ज्यादा खरीद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नहीं रुक रहा अवैध निर्माण, पीएम तक पहुंची शिकायत, अब चल सकता है योगी का बुलडोजर। मऊ में जज को अपशब्द कहना पड़ा भारी, मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राष्ट्रपति की देशवासियों से अपील, देश में कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए रहें सतर्क। नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को डीएमआरसी की सौगात, जुलाई से सफर होगा और आसान। बिना परमिट के गोरखपुर से बिहार के बीच चल रही बसें, परिवहन निगम को हो रहा लाखों का नुकसान। गोरखपुर में 4,603 लाभार्थियों के खातों में भेजी गई किस्त, 2,000 की लिस्ट तैयार, डूडा में आवेदन करने के बाद टीमें करती हैं जांच। अब लखनऊ और दिखेगा साफ सुथरा, नगर आयुक्त ने दिए शाम को भी सफाई के निर्देश। गांजे के नशे में कर दिए मामा के टुकड़े टुकड़े, उधार के पैसे के लिए हुई थी तकरार, पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़, दो हत्यारोपियों को लगी गोली, युवक की हत्या कर शव जलाने का मामला। रेलवे का तुग लगी फरमान, आराम के नाम पर कर्मचारियों को भोजन पर लगाम, स्टाफ के रनिंग रूम से बाहर निकलने पर रोक। अखिलेश को लेकर फिर छलका शिवपाल का दर्द, बोले हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौनता चला गया।
प्रयागराज मास मर्डर में इंटरेस्टेड गैंग का हाथ, शातिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 7 लोग हुए गिरफ्तार। शिमला सहित 5 शहरों के हिंडन एयरपोर्ट से मिलेगी फ्लाइट, जल्द शुरू होगी सेवा। रामनगरी अयोध्या में बनेगा मिनी शांति कुंज, डॉक्टर चिन्मय पांड्या करेंगे नवनिर्माण का शिलान्यास। कई सालों बाद गांव पहुंचे तो शिक्षक ने साझा की स्कूल की यादें, बताया होनहार विद्यार्थी थे सीएम योगी आदित्यनाथ। पांच साल बाद अपने गांव पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो गलियों में टहलने निकल पड़े, बचपन आया याद। तीर्थयात्रियों के लिए राहत भरी खबर, मुख्यमंत्री धामी ने कहा 4 धाम यात्रा के लिए संख्या का निर्धारण नहीं। अपने गांव में प्रवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ, स्थानीय नागरिकों से की मुलाकात। चारधाम यात्रा मार्ग के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार, 2 महीने बाद जंगल की आग से राहत। कोटद्वार में ईद पर परिवार संग बिजनौर से पिकनिक मनाने आए थे युवक, गोह में डूबने से 4 की मौत। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, अब यात्रा मार्ग पर वाहनों के संचालन की समय सीमा बढ़ी। लखवाड़ परियोजना के गठित समिति पर पुनर्विचार नहीं, एनजीटी ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं के पुनर्विचार आवेदन को किया निरस्त। आईएसबीटी के लिए करना होगा लंबा इंतजार, फिलहाल नई जमीन के चयन की प्रक्रिया जारी। देहरादून में डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, 3 हफ्ते से ज्यादा समय से मिल रही नहीं राहत। सुरई जंगल में युवक की गला रेतकर हत्या, हत्यारोपियों ने नहर में फेंक दी बाइक, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। कॉर्बेट नेशनल पार्क के करीब खुलेगा एक और सफारी जोन, बाघ के साथ रंग बिरंगे पक्षी भी देख सकेंगे पर्यटक। वित्तीय संकट से जूझ रही नैनीताल पालिका को बड़ी राहत, 22,000 करोड़ की अग्रिम राशि समायोजित। समाज सेवी मुक्तिदाता ने प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बोली मेरी प्रांतिक भूमि, षड्यंत्र के तहत की जा रही नीलाम। अल्मोड़ा जिले में सर्वड़ों ने अनुसूचित जाति के दूल्हे को शादी के दौरान घोड़े से उतारा। मारियोपोल के स्टील प्लांट में फंसे कई नागरिकों को निकाला गया, यूक्रेन को और निकासी की उम्मीद। आर्थिक संकट से प्रभावित गरीबों को नगद मुहैया कराएगी श्रीलंका सरकार, 33 लाख परिवारों को मई से जुलाई तक 375 रुपए की सहायता। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर जवाबी प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश, वहीं ईयू की रूस से खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी।
पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं, हम तो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। चीन में इमारत के मलबे से 3 दिन बाद जिंदा निकाले गए 2 लोग, अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर किया हमला, सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी फंसे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, युद्ध को खत्म करने की वार्ता को लेकर गंभीर नहीं है यूक्रेन। ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन की संसद को किया संबोधित, क्योंकि सैन्य मदद में $376 मिलियन और देने का ऐलान। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, प्रायद्वीप के दूसरे देशों की बड़ी चिंता। अमेरिका में महामारी की शुरुआत से अब तक 1,30,00,000 बच्चे कोविड-19 से हुए संक्रमित, पिछले 4 हफ्तों के दौरान तेजी से बढ़ा यह आंकड़ा। दिल्ली में आम निवेशकों के लिए खुला LIC का IPO, शुरुआत में हुआ 26% सब्सक्राइब, LIC में सरकार जुटाएगी 21,000 करोड़ रुपए। भारत में भी एयरपोर्ट बनेंगे कार्बन न्यूट्रल, सिंधिया बोले इस दिशा में हो रहा तेजी से काम। बिना शुल्क UAE जो आने लगा भारतीय आइटम गारमेंट, लेदर जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात बढ़ने से निकालेंगे नए रोजगार। टाटा स्टील ने दी TCS को मात, छीन लिया सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी का तमगा। तेजी पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 57,000 के ऊपर, निफ्टी निकला 17,000 के पार टॉप। गेंसी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 5.5% ऊपर है। महंगे डीजल का असर, 2 महीने में ट्रकों के किराए में 10% तक का आया उछाल, इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने दी जानकारी। टाटा स्टील का मुनाफा 37% बढ़कर 9,835 करोड़ रुपए, 51 रुपए डिविडेंड देने का फैसला। टाटा स्टील ने साल 2021-22 की चौथी तिमाही के नतीजे की घोषणा। टाइटंस को चौथी तिमाही में हुआ नुकसान, कंपनी का शुद्ध लाभ 7% फिसला, नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए काम कर रही कंपनी। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ऐसी कमाई पर टैक्स विभाग की नजर, देना पड़ सकता है अतिरिक्त TDS। गर्मी शुरू होते ही AC की बिक्री में आई तेजी, अप्रैल में तोड़े रिकॉर्ड, 17.5 लाख AC हुए सेल। विराट की 50 पर बोले जडेजा, कोहली ने टेम्पो पर हासिल कर लिया, अब उसे ट्रक में बदलना होगा। सुनील गावस्कर ने राहुल तेवतिया को दिया नया निकनेम आइस मैन, कहा हालत से नहीं डरता बल्लेबाज। निकोलस पूरन बने वेस्टइंडीज के नए कप्तान, वनडे और T20 टीम के नेतृत्व की मिली जिम्मेदारी। BCCI ने IPL के प्लेऑफ वेन्यू और वुमेन T20 चैलेंज के कार्यक्रमों की घोषणा की, 2 साल में पहली बार पूरी दर्शक क्षमता के साथ मैच।
वेस्टइंडीज टीम की कमान मिलने के बाद निकोलस पूरन का पहला बयान खास सम्मानित महसूस कर रहा हूं। संजू सैमसन ने राहुल द्रविड़ को लेकर दी प्रतिक्रिया, बताए उनके साथ बिताए 3-4 साल थे खास। तेज गेंदबाजों की अच्छी फसल तैयार कर रहा गंगा यमुना का उर्वर मैदान, देश को मिल रहे हैं फास्ट बॉलर्स। शिखर धवन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर पंजाब ने गुजरात को 8 विकेट से हराया। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले प्लेयर बने राशिद खान, ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑरेंज कैंप की सूची में बटलर और राहुल का एक दूसरे को पीछे करने की होड़ नंबर 1 पर बरकरार है बटलर। कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के गाने चिकन कुकड़ू कू को बताया सबसे पॉलिटिकल, कहा वो हमारी राजनीति को बताता है। अजय देवगन की रनवे 34 पर भारतीय पायलट को फेडरेशन ने साधा निशाना, सच्ची घटना पर आधारित होने के दावों को बताया झूठा। सलमान खान ने 2 साल बाद फैंस को दी ईदी, एक्टर की एक झलक देखने के लिए उमड़ी हजारों प्रशंसकों की भीड़। ब्रेकअप की खबरों के बीच पहली बार साथ नजर आए कियारा अडानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो हुआ वायरल। अर्पित और आयुष शर्मा की ईदी पार्टी में उमड़ा बॉलीवुड, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, शहनाज गिल और कियारा आडवाणी ने लगाया ग्लैमरस का तड़का। कॉफी विद करण का अगला सीजन नहीं लेकर आएंगे करण जौहर, शो को लेकर हुई बड़ी घोषणा। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में पूरा किया 30 साल का सफर, शूटिंग के पहले दिन किया था बॉब क्रिस्टो के साथ एक्शन। ईद पर रनवे 34 और हीरोपंती 2 की कमाई में दिखा उछाल, केजीएफ 2 का दबदबा अभी तक जारी। फैशन इवेंट मेटगाला 2022 में 36 करोड़ की ड्रेस पहन न्यूयॉर्क में रेड कारपेट पर उतरी किम कार्दशियन, पहले भी ड्रेस से कर चुकी हैं फैंस को घायल। न्यूयॉर्क में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जेठानी, गेम ऑफ थ्रोन्स फेम सोफी टर्नर का मेटगाला में जलवा लूटी महफिल। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।